INX मीडिया मामले में आरोपी पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम को बुधवार देर रात CBI ने गिरफ्तार कर लिया। पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार सुबह कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पार्टी ने आरोप लगाया कि चिदम्बरम के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले दो दिन में लोकतंत्र की हत्या हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने और क्या क्या कहा, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी अजय झा। कल देर रात नाटकीय तरीके से पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पिछले दो दिनों से जिस तरह से पी चिदम्बरम को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है और CBI और ED जैसी जाँच एजेंसी अब व्यक्तिगत दुर्भावना से काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किस तरह से एक ऐसे आरोपी व्यक्ति के बयान के आधार पर चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद जेल में बंद है और वो भी अपनी बेटी के कत्ल के इल्जाम में। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने ये भी तर्क रखा कि चिदंबरम के खिलाफ या उनके बेटे के खिलाफ इस पूरे INX मामले में FIR तक दर्ज नहीं है और उसके बावजूद 12 साल पुराने यानी 2007 का ये मामला है और 2019 में कल देर रात जब चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया, 12 साल तक और उसमें से पिछले 6 साल से लगभग मोदी सरकार सत्ता में है और इसके बावजूद एक सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई जांच एजेंसियां, जबकि 20 से ज्यादा बार उन चिदंबरम के बेटे कार्तिक चिदंबरम को एजेंसियों ने पूछताछ के लिए बुलाया। खुद चिदंबरम इन जांच एजेंसियों के सामने पेश हुए, उसके बावजूद एक सबूत तक नहीं इकट्ठा कर पाई और इसके बाद सिर्फ एक बयान के आधार पर, एक आरोपी महिला के बयान के आधार पर चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया है और ये पूरी तरह से राजनीतिक दुर्भावना से किया गया है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर दोहराया कि इस पूरे मामले में पार्टी पूरी तरह से चिदंबरम के साथ है और जो भी न्यायिक प्रक्रिया के जरिए इसका जो भी रास्ता होगा वो पूरी तरह से खुद चिदंबरम और पार्टी उनके समर्थन में खड़ी रहेगी। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।